और बड़ी खबर यूपी से, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से, जहां यूपी बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं। दोस्तों नमस्कार, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 2024 का बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है दोस्तों जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा हूं। दोस्तों आप सभी का यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, वो 22 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे। और आप सभी को बता दें कि आज यह दोस्तों ऑफिशियल डेट आई है। आप सभी का जो अंतिम पेपर होगा 9 मार्च को होगा, और यहाँ पे आप सभी अपना पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। मैं आप सभी को एक एक टाइम टेबल को अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ, और कौन सा पेपर है और किस तारीख को कौन सा पेपर, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों यह टाइम टेबल। दोस्तों आज 6 बजे जारी किया गया है शाम को, और यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं बृहस्पतिवार, यहाँ पे जो 22 फरवरी को पेपर होगा पहला पेपर दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो 10वीं और 12वीं का दोनों होगा, यहाँ पे हिंदी ही, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पाली में यहाँ 10वीं के छात्रों के लिए होगा, और सेकंड पाली में यहाँ पे 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी का पेपर होगा। और इसी तरीके से आप अपना यहाँ पे टाइम टेबल देखते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैं मुख्य विषय है उसी का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मंगलवार को दोस्तों 27 फरवरी को जो है यहाँ पे गणित का पेपर होगा 10वीं का। और दोस्तों आप सभी को बता दें, और यहीं पे मंगलवार को शाम को 2 बजे से लेकर के यहाँ पे 5:15 बजे तक, यानी कि दोस्तों देख पा रहे होंगे 5:15 बजे तक यहाँ पे देख पा रहे होंगे गृह विज्ञान का पेपर होगा। और वहीं दोस्तों 28 तारीख को, यानी कि गैप नहीं किया गया है, 28 तारीख को ही संस्कृत का पेपर 10वीं के छात्रों के लिए कर दिया गया है। और वहीं दोस्तों यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर दिया गया है, और यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कला का पेपर दोस्तों, जो छात्र कला लिए होंगे 12वीं के उनका दोस्तों पेपर है यहाँ पे 28 तारीख को। वहीं 29 का पेपर दोस्तों विज्ञान का, यानी कि एक दिन का गैप है दोस्तों, तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही जम के करिए। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 29 तारीख को ही जो सेकेंड पाली में कक्षा 12वीं का दोस्तों जीव विज्ञान और गणित है, तो जो भी छात्र गणित लिए हैं, जो भी लिए हैं, वह अपना यहाँ से ध्यान से देखते जाइए। और इसी तरीके से 1 तारीख को यहाँ पे देख पा रहे होंगे मानव विज्ञान, ये थोड़ा बहुत ही कम छात्र लेते हैं फिलहाल। आप 2 मार्च को देखिए, इसमें भी अंग्रेजी का पेपर 12वीं के लिए है, ठीक है, अंग्रेजी का पेपर 2 मार्च को सेकंड पाली में 12वीं के लिए। तो दोस्तों मैं दूसरा पन्ना सभी को दिखा देता हूं जो टाइम टेबल है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों जो दूसरा सेकंड वाला पेज ओपन हो जाएगा पीडीएफ, तो देख पा रहे होंगे अंग्रेजी का दोस्तों आप सभी का जो 10वीं का पेपर है अंग्रेजी का 4 मार्च को है। और वहीं देख पा रहे होंगे आप सभी को बता दें, और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर दोस्तों 12वीं का जो है 4 मार्च को, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं 5 मार्च को कुछ खास नहीं है गृह विज्ञान क्या है। और वहीं आप सभी को बता दें कि 6 मार्च को दोस्तों कला का 10वीं, जो छात्र कला लिए रहेंगे 10वीं में उनके लिए यहाँ पे कला का पेपर है। और आप सभी को बता दें कि 7 मार्च को दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यानी कि 10वीं के लास्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और 7 मार्च को यहाँ पे सेकंड पाली में 12वीं के लिए क्या है, इसको मैं दूसरे थर्ड वाले पेज में ओपन दिखाता हूँ पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन हो जाए उसका मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीडीएफ ओपन थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा पेज भी ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जो दोस्तों 7 मार्च को ही आप सभी का पेपर है यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान का पेपर है। और वहीं दोस्तों आप सभी को मैं कलम से लिख करके बताऊंगा जो मुख्य विषय है इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है और आप सभी का लास्ट पेपर कब होगा, ये भी सारा कुछ डिसाइड कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।